हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं थॉमस स्टर्न्स इलियट की बायोग्राफी। थॉमस स्टर्न्स इलियट, जिन्हें हम टीएस इलियट के नाम से जानते हैं, उनकी बायोग्राफी यहाँ पर हम लेकर आए हैं। इसी तरीके से राइटर्स की बायोग्राफी है या उनके मेजर वर्क्स हैं या उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं। तो अगर आप लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। इनकी बर्थ हुई थी 1888 में सेंट लुइस मिसौरी यूएस में। डेथ इनकी हुई थी 1965 में कैंसिंगटन लंदन यूके। डाइड ऑफ इम्फिसीमा। इम्फिसीमा ये एक लंग डिसीज है जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। पेरेंट्स हैं इनके, फादर हैं इनके हेनरी वेयर इलियट और मदर है चार्लोट चैंप स्टर्न्स। एजुकेशन इनकी हुई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एंड मर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में। स्पाउस इनकी, इन्होंने दो बार शादी की थी, मैरिज की थी। तो 1915 में इन्होंने फर्स्ट मैरिज की थी, वो इनकी वाइफ थी विवियन हेवुड, और सेकंड मैरिज उन्होंने 1957 में की थी, जो इनकी वाइफ थी वैलरी इलियट। ऑनर्स इन्हें मिले थे 1948 में नोबल प्राइज इन लिटरेचर एंड 1948 में ही इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिला था। ऑक्यूपेशन इनका, ये 20th century यानी कि मॉडर्न एज के इंग्लिश पोइट थे, एसेस थे, प्लेराइट थे, लिटररी एंड सोशल क्रिटिक भी थे। इलियट वॉज बॉर्न इन अ बोस्टन ब्राह्मण फैमिली यूएसए। इलियट का जन्म बोस्टन ब्राह्मण फैमिली में यूएसए में हुआ था। फ्रॉम 1898 टू 1905 ही अटेंडेड स्मिथ अकेडमी। 1898 से 1905 तक इन्होंने स्मिथ अकेडमी अटेंड की थी, वेयर हिज स्टडीज इंक्लूडेड, जिसमें इनकी स्टडीज जो इन्होंने की थी वो की थी लैटिन, एंशियंट ग्रीक, फ्रेंच एंड जर्मन। इन 1900 ही वन अ गोल्ड मेडल फॉर लैटिन। ही बिगेन टू राइट पोइट्री व्हेन ही वाज 14 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्ड फिट्जेराल्ड्स रुबैयत ऑफ उमर खय्याम, अ ट्रांसलेशन ऑफ द पोइट्री ऑफ उमर खय्याम। ही बिगेन टू राइट पोइट्री, इन्होंने पोइट्री लिखना शुरू किया था व्हेन ही वाज 14, जब ये 14 ईयर्स के थे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, और किसके इन्फ्लुएंस के अंडर में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, वो थे एडवर्ड फिट्जेराल्ड्स की रुबैयत ऑफ उमर खय्याम थी, जो कि एक ट्रांसलेशन था ऑफ पोइट्री ऑफ उमर खय्याम की पोइट्री का ट्रांसलेशन था। हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोइम, इनकी पहली पब्लिश्ड जो पोइम थी अ फेवल फॉर फीस्टर्स, वॉज रिटन एज अ स्कूल एक्सरसाइज। वो एक स्कूल एक्सरसाइज के रूप में लिखी गई थी इनकी फर्स्ट पब्लिश्ड पोइम, एंड वॉज पब्लिश्ड इन द स्मिथ अकेडमी रिकॉर्ड इन 1905, और 1905 में स्मिथ अकेडमी रिकॉर्ड में पब्लिश हुई थी। ऑल्सो पब्लिश देयर इन अप्रैल 1905 वॉज हिज ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोइम इन मैन्युस्क्रिप्ट एंड अनटाइटल्ड लिरिक, लेटर रिवाइज एंड रीप्रिंटेड एज सॉन्ग। 1905 में इनकी एक और पोइम इनकी पब्लिश हुई थी अप्रैल 1905 में, वॉज हिज ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोइम, जो इनकी बहुत ही पुरानी सर्वाइविंग पोइम थी जो मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी हुई थी, एंड अनटाइटल्ड लिरिक, जो कि अनटाइटल्ड था, जिसका कोई टाइटल नहीं दिया गया था, लिरिक फॉर्म में लिखी गई थी, लेटर रिवाइज, उसे बाद में रिवाइज किया गया एंड रीप्रिंट किया गया एज सॉन्ग, को टाइटल दे दिया गया सॉन्ग। इन द हार्वर्ड एडवोकेट, किसमें पब्लिश हुई, हार्वर्ड एडवोकेट में, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट मैगजीन है। ही ऑल्सो पब्लिश थ्री शॉर्ट स्टोरीज इन 1905 में इन्होंने थ्री शॉर्ट स्टोरीज भी पब्लिश की थी, वो थी वर्ड्स ऑफ प्री, अ टेल ऑफ अ वेल एंड द मैन हु वॉज किंग। In 1905, he went to Milton Academy in Massachusetts, where he met Scott Field Thayer.
1985 में ये मिल्टन एकेडमी गए थे मैसाचुसेट्स में, जहां पर ही मैट स्कोफील्ड थायर से मिले, हु लेटर पब्लिश्ड द वेस्टलैंड, जिन्होंने बाद में वेस्टलैंड को पब्लिश किया था। ही स्टडीड फिलोसफी एट हार्वर्ड कॉलेज फ्रॉम 1906 टू 1909। 1906 से 1909 तक इन्होंने हार्वर्ड कॉलेज में फिलोसफी की स्टडी की थी। हियर ही रीड आर्थर साइमंस द सिंबोलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर। यहाँ पर इन्होंने आर्थर साइमन का द सिंबोलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर में उसकी स्टडी की थी। यहाँ पर दिस इंट्रोड्यूस्ड हिम इससे इन्हें किसका इंट्रोडक्शन मिला, जूल्स लाफोर्ग का इंट्रोडक्शन मिला, आर्थर रिम्बोर्ड का एंड पॉल वर्लेन का। यानी कि जब इन्होंने आर्थर साइमन की द सिंबोलिस्ट मूवमेंट पढ़ी थी लिटरेचर में, तब ये इंट्रोड्यूस हुए जूल्स लाफोर्ग से, आर्थर रिम्बोर्ड से एंड पॉल वर्लेन से। आफ्टर वर्किंग एज अ फिलोसफी असिस्टेंट एट हार्वर्ड फ्रॉम 1900 टू 1909 से 1910 तक इन्होंने हार्वर्ड में फिलोसफी असिस्टेंट के रूप में काम किया। ही मूव्ड टू पेरिस, उसके बाद ये पेरिस चले गए, वेयर फ्रॉम 1910 टू 1911 ही स्टडीड फिलोसफी एट द सोरबोन। पेरिस चले गए, जहां पर इन्होंने 1910 से 1911 तक फिलोसफी की स्टडी की थी सोरबोन में। From 1911 to 1914, he was back at Harvard to study philosophy as a graduate student. 1911 से 1914 तक ये वापस हार्वर्ड आ गए थे, जहां पर इन्होंने फिर से फिलोसफी की स्टडी की थी ग्रेजुएट स्टूडेंट के रूप में। एंड बिगेन हिज डॉक्टोरल थीसिस ऑन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द फिलोसफी ऑफ F.H. ब्रैडले और बिगेन हिज डॉक्टोरल थीसिस, और अपनी डॉक्टोरल थीसिस को इन्होंने शुरू किया था किस पर, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द फिलोसफी ऑफ F.H. ब्रैडले। He went to England on fellowship from Merton College. ये इंग्लैंड गए किस पर, फेलोशिप इन्हें मिली थी मर्टन कॉलेज से, ऑक्सफोर्ड से, इन 1914 में। On 22 September 1914, he met Ezra Pound. 22 September 1914 में ये एजरा पाउंड से मिले थे। On 26th June 1915, he got married Vivian Haywood. 1915 में इन्होंने Vivian Haywood से मैरिज की थी, अ कैम्ब्रिज गवर्नेस, जो कि कैम्ब्रिज गवर्नेस थी। द मैरिज वॉज अनहैप्पी, लेकिन उनकी मैरिज जो थी वो अनहैप्पी थी बिकॉज ऑफ विवियंस हेल्थ इशू, क्योंकि विवियन का जो हेल्थ इशू रहता था उसकी वजह से इनकी मैरिज अनहैप्पी रही। इलियट हिमसेल्फ सेज, और इलियट खुद ये कहते हैं कि टू हर मैरिज ब्रॉट नो हैप्पीनेस, कि उनके लिए यानी कि विवियन के लिए भी मैरिज कोई हैप्पीनेस लेकर नहीं आई। टू मी, और मेरे लिए, इट ब्रॉट द स्टेट ऑफ माइंड आउट ऑफ विच केम द वेस्ट लैंड, और मेरे लिए ये ब्रॉट द स्टेट ऑफ माइंड, इस तरीके की माइंड की स्टेट बन चुकी थी जिसकी वजह से उन्होंने क्या पोएम कंपोज कर दी, द वेस्ट लैंड कंपोज कर दी। यानी कि वो भी मैरिज से खुश नहीं थे और ऐसी उनकी कंडीशन बन गई, ऐसी स्टेट बन गई माइंड की, कि उसके बाद उन्होंने पोएम जो लिखी वो लिखी थी द वेस्ट लैंड। Their relationship became the subject of a 1984 play Tom and Viv. और उनकी जो relationship थी वो 1984 का जो play था Tom and Viv उसका subject बन गई उनकी relationship. He specially identified as Anglo-Catholic. वो किस तरीके से identified होते हैं, Anglo-Catholic के रूप में। Proclaiming himself, और अपने आप को ये क्लेम करते हैं कि क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, कि वो लिटरेचर में क्लासिसिस्ट हैं, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में रॉयलिस्ट हैं, एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, और रिलीजन में वो एंग्लो कैथोलिक हैं। इन 1933 हिज
1932-33 नॉर्टन लेक्चर्स एट हार्वर्ड पब्लिश्ड अंडर द टाइटल द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। 1933 में उनका जो 1932-33 नॉर्टन लेक्चर्स एट हार्वर्ड है वो पब्लिश हुए किस टाइटल के अंडर में, द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म के रूप में पब्लिश हुए। एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया ही डिलीवर्ड द लेक्चर्स, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने लेक्चर्स दिए थे, लेटर पब्लिश्ड एज आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स, वो पब्लिश हुए किस रूप में, किस नाम से, आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स के नाम से पब्लिश हुए। द सेम ईयर ही सेपरेटेड फ्रॉम विवियन, और उसी साल वो विवियन से अलग हो गए, हु डाइड इन 1947, जिनकी डेथ 1947 में हो गई विवियन की। In 1948, he was awarded the Nobel Prize in Literature. 1948 में उन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला फॉर हिज आउटस्टैंडिंग पायनियर कंट्रीब्यूशन टू प्रेजेंट डे पोइट्री, जो उन्होंने आज की पोइट्री में जो उनका कंट्रीब्यूशन है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है आज की पोइट्री में, उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला। द सेम ईयर ही गॉट ऑर्डर ऑफ मेरिट, और सेम ईयर उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिला। ऑन 10 जनवरी 1957 एट द एज ऑफ 68 इलियट मैरिड एस्मी वैलरी फ्लेचर, इलियट ने एस्मी वैलरी फ्लेचर से मैरिज कर ली, हु वाज 30, जो 30 इयर्स की थी, एंड हिज सेक्रेटरी ऑफ फेवर एंड फेवर, जो उनकी सेक्रेटरी थी फेवर एंड फेवर में, सिंस अगस्त 1949, अगस्त 1949 से उनकी सेक्रेटरी रही थी फेवर एंड फेवर में। इन 1964 ही वाज अवार्डेड द यूएस मेडल ऑफ फ्रीडम, 1964 में उन्हें यूएस मेडल ऑफ फ्रीडम का अवार्ड मिला था। ही डाइड ऑफ इम्फिसीमा एट हिज होम इन कैंसिंगटन इन लंदन, अपने होम टाउन में उनकी डेथ हुई थी, किसकी वजह से, इम्फिसीमा की वजह से, जो कि एक लंग डिजीज थी। On 4th January 1965 and was cremated at Golders Green Crematorium, और उन्हें क्रीमेट किया गया था Golders Green Crematorium में। In accordance with his wishes, और उनकी wishes की according, his ashes were taken to, उनकी जो ashes हैं उनको ले जाया गया to St. Michael's Church in East Coker, the village in Somerset. Somerset में village है, वहां पर ले जाया गया सेंट माइकल की चर्च में, फ्रॉम विच हिज एंसेस्टर्स हैड इमिग्रेटेड टू अमेरिका, जहां से उनके एंसेस्टर्स अमेरिका के लिए इमिग्रेट हो गए थे। अ वॉल प्लेक कमेमोरेट्स हिम विद अ कोटेशन, एक वॉल प्लेक है जो जैसे दीवार पर हम कोई भी मेमोरियल लिखकर कुछ भी लटका देते हैं, एक तो वो लटका हुआ है, वो एक कोटेशन उस पर लिखी हुई है, फ्रॉम हिज पोइम ईस्ट कोकर, ईस्ट कोकर जो उनकी पोइम है उसमें से एक कोटेशन लिखी हुई है कि इन माई बिगनिंग इज माई एंड, इन माई एंड इज माई बिगनिंग, कि मेरी बिगनिंग में मेरा अंत है और मेरे अंत में ही मेरी बिगनिंग है। इन 1967 ऑन द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ हिज डेथ, 1967 में जो उनकी डेथ की सेकेंड एनिवर्सरी थी, अ लार्ज स्टोन वॉज इंस्टॉल्ड इन द फ्लोर ऑफ पोइट्स कॉर्नर इन लंडन्स वेस्टमिंस्टर एवे, लंदन में जो वेस्टमिंस्टर एवे है वहाँ पर पोइट्स कॉर्नर में एक लार्ज स्टोन इंस्टॉल किया गया। द स्टोन इज इंस्क्राइब्ड विद हिज लाइफ डेट्स, और इस स्टोन को इंस्क्राइब किया गया, उस पर क्या इंस्क्राइब किया गया, उनकी लाइफ डेट्स को, हिज ऑर्डर ऑफ मेरिट को, एंड अ कोटेशन फ्रॉम हिज पोएम लिटिल गिडिंग, उनकी जो पोएम है लिटिल गिडिंग उसमें से एक कोटेशन को इंस्क्राइब किया गया, वो कोटेशन है, द कम्युनिकेशन ऑफ द डैड इज टंग्ड विद फायर बियॉन्ड द लैंग्वेज ऑफ द लिविंग, ये कोटेशन ली गई है लिटिल गिडिंग से जो इंस्क्राइब की गई उनकी स्टोन पर, द कम्युनिकेशन ऑफ द डैड इज टंग्ड विद फायर Beyond the language of the living. तो ये यहाँ पर बायोग्राफी दी गई है T.S. Eliot की। इसके अगली वीडियो में आपको T.S. Eliot के जो मेजर वर्क्स हैं उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी आपको, और इस T.S. Eliot से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको आगे की वीडियो में मिल जाएंगे।
तो इसी तरीके से अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके से हम नोट्स लेकर आते रहते हैं अपने चैनल पर। तो आपको भी अगर प्रिपरेशन करनी है, अगर आपको नोट्स चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।